क्या इस बात से परेशान है कि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर वो पढ़ने बैठते हैं तो ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाते? नमस्कार, मैं आचार्य सौरभ ए बजाज, वास्तु स्पेशलिस्ट, आपके प्रगति का साथी। आज मैं आपके लिए वास्तु का ऐसा ज्ञान लाया हूं जिससे आपके बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगेगा एंड कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं वो एक पावरफुल रेमेडी यंत्र के माध्यम से आपको बताऊंगा जिससे आपके बच्चों की पढ़ाई और कंसंट्रेशन डेफिनेटली इंप्रूव होगी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी वर्ल्ड, जिसमें मैं वास्तु का ज्ञान, वास्तु के सीक्रेट्स आपके सामने अनफोल्ड करता रहूंगा जिससे आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मुख्य तौर पे एजुकेशन की जो दिशा है वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। आइए मैं यहां पे बताता हूं, मुख्य तौर पे जो दिशा है वो है हमारी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में पड़ती है। तो आपको अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में चेक करना है कि कोई दोष तो नहीं है, जैसे कि वहां पे कोई टॉयलेट तो नहीं है। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो पहले उसे आपको वहां की नेगेटिव एनर्जीज को ट्रीट करना होगा। ट्रीट के लिए अगर आपका वॉशरूम है, टॉयलेट है, उसको तीनों तरफ से व्हाइट कलर की टेप से पहले ट्रीट करिए। उसके बाद दूसरी चीज हम जो चेक करेंगे कि वहां पे वेस्ट साउथ वेस्ट में कोई उस दिशा का एंटी कलर तो नहीं है, क्योंकि हर दिशा का कोई ना कोई एंटी कलर होता है। जैसे कि वहां पे रेड कलर का आ जाना, या वहां पे ग्रीन कलर का आना, या फिर आपने बहुत सारे वेस्ट में अपने प्लांटर्स रखे हुए हैं, ये भी एक मुख्य कारण है कि आपके बच्चों का कंसंट्रेशन और ढंग से पढ़ाई ना कर पाना। अगर प्लांटर्स हैं उसको आप वहां से पहले मूव करिए, उनको आप ईस्ट में लगा सकते हैं, नॉर्थ में लगा सकते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि आप प्लांट्स को कहां पे मूव कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पहले रेड और ग्रीन कलर वहां से रिमूव करना है। आप वहां पे व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं, ऑफ व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं, लाइट टोन ऑफ ग्रे कलर भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अब हमने वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को दोष मुक्त कर लिया है। दोष रहित करने के बाद अब आपको अपने बच्चों का स्टडी टेबल, जहां वो बैठ के पढ़ते हैं, उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में मूव करिए। एंड ध्यान रखिएगा, वेस्ट साउथ वेस्ट में मूव करने के बाद उनका जो मुख है पढ़ते समय वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर आप ये चीज करते हैं, इससे आपके बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा और वो अच्छे से पढ़ना शुरू हो जाएंगे। करके देखिए, बहुत कारगर रेमेडी है ये। अब इसके अलावा कई बार किसी कारणवश अगर आप उनका स्टडी टेबल मूव वेस्ट साउथ वेस्ट में नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके आप स्कूल बैग या उनका पढ़ने का कोई भी सामान वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए, उसके भी रिजल्ट्स आते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उनका, जिसपे वो बैठ के पढ़ते हैं, टेबल वही है। अगर नहीं कर पाते तब आप एटलीस्ट उनका स्टडी, उनका जो भी स्टडी मटेरियल है वो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए। ये तो हुआ कि हम किस तरीके से उस जोन में बैठ के पढ़ेंगे और उस दिशा का बल मिलेगा एंड आपके बच्चे के रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव होंगे। चलिए, जो मैंने आपसे बोला था कि एक मैं आपको यंत्र रेमेडी आज प्रोवाइड करूंगा, चलिए उस यंत्र का नाम है एजुकेशन टॉवर। इसको एजुकेशन टॉवर बोला जाता है। आपको क्या करना है, जहां भी आपका बच्चा अभी बैठ के पढ़ता है वहां पे एक एजुकेशन टॉवर लगाइए। इसको आप इजीली मार्केट पे अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं, या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको ये टॉवर भिजवा सकते हैं। आपको क्या करना है, इस टॉवर को, जो भी उनका टेबल है आपके बच्चों का, वहां पे इसको प्लेस करिए। बट उनको बस एक बात बोलनी है कि जब भी बच्चा पढ़ने बैठता है, इसको पहले इस तरीके से हाथ लगाना है और साथ में इस तरीके से अपने हार्ट एरिया पे हाथ लगा के पढ़ने बैठ जाना है। एंड आप रिजल्ट्स देखेगा, कुछ टाइम बाद ही आप पाएंगे कि आपके बच्चे के जो रिजल्ट्स हैं और जो नंबर्स हैं, 10x में इंप्रूवमेंट, 10x से इंप्रूवमेंट आएगी। ये करके देखिए, ये बहुत ही कारगर रेमेडी है, आप इसको जरूर करिए।
तो आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, एंड अगर आपको अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज पकड़ के बैठी है या आपको कुछ लग रहा है कि बहुत टाइम से ये चीज इसका अगर मेरे को कोई सोल्यूशन मिल जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु के मीटर्स चेक करके आपको उस चीज का समाधान प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में, धन्यवाद।